रोहित एक बार अंदर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आइए आपको सीधे राजभवन लिए चलते हैं। रोहित, तमाम मेहमान अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, तस्वीरें आपको राजभवन के अंदर सभागार के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं जेडीयू, बीजेपी, हम या वीआईपी के सब यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पूरे कार्यक्रम का जो है बहिष्कार किया है, बॉयकॉट कर दिया है, और तमाम जो डिग्निटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से संतोष मांझी, जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं। तो संतोष मांझी की पत्नी और बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। संतोष जी की पत्नी है आप, क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। दीपा जी, पति पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, अभी तक तो एमएलसी थे, क्या कहेंगी? देखिए, जिस भरोसे से माननीय मुख्यमंत्री जी इस मतलब विश्वास से इनको इस जिम्मेवारी सौंपे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये अपने उस विश्वास पे खरे उतरे और ईमानदारी पूर्वक काम करें, बस। और मुझे विश्वास है कि ये सही ढंग से काम करेंगे। तो आपके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब पति मंत्री बनेंगे, क्या लगता है, बहुत चुनौती होगी? चुनौती तो आते रहती है, लेकिन मतलब समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे समाज में, तो आएगा ही परिणाम, मिलेगा। मांझी के दो लड़के, बेटे और बेटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य प्रकाश। आदित्य, पापा मंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार, आपके दादाजी तो मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, पापा पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए हमें खुशी भी है और उन्हें नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है, जिससे हम खुश हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करेंगे। लगता है पापा अच्छा काम करेंगे? नीतीश कुमार ने उनमें आस्था दिखाई। हाँ, जरूर अच्छा काम करेंगे पापा। हाँ, भरोसा है। बेटी है उनकी, आपका क्या नाम हुआ? आकृति। आकृति, आप बताइए पापा को लेकर कितनी आश्वस्त है, मंत्री बनेंगे अब तो बिहार में? हाँ, वो बनेंगे और अच्छे काम भी करेंगे और मैं बहुत अच्छा खुश करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किया है, बहुत सारी योजनाएं लेके आई है, क्या लगता है आगे भी बढ़ाएंगे? हाँ, आगे बढ़ाएंगे। पापा के लिए कौन सा विभाग सोचती है कि वहाँ काम करेंगे पापा तो ज्यादा बेहतर होगा? कोई भी रहे, लेकिन पापा साहब भी सभी में अच्छे से काम करेंगे। अच्छा से काम करेंगे। दादाजी ज्यादा अच्छा काम करते थे आपके जो मुख्यमंत्री थे, या लगता है पापा काम करेंगे? नहीं, दोनों अच्छे काम करेंगे। दोनों अच्छा काम करेंगे, आपको भरोसा है? चलिए, साइकिल योजना नीतीश जी ने चलाई थी, आपको लगता है आगे जारी रहेगा लड़कियों के लिए? हाँ, जारी रहेगा। तो अंजना, संतोष मांझी का परिवार इस वक्त हमारे साथ है, देख सकती हैं उनकी पत्नी, उन दोनों बच्चे जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर में तो एक मुख्यमंत्री रह चुका है जीतनराम मांझी, लेकिन अब संतोष मांझी को इस बार मंत्री बनाया जा रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से, और उनका परिवार भी यहां पर पहुंचा हुआ है, काफी खुश है, कह रहा है कि पापा अच्छा काम करेंगे, भरोसा है परिवार वालों को। अंजना।